पूछ न मेरी गोरे भे वतन माईया गोरे भे जाना पहले गोरे भे गल सुन छड़िया छोरा भी ते तुम्हारी सत श्री अकाल जी मैं परमदीप सिंह तुहाडे नाल ते तुसी देख रहे हो साडा चैनल फुल ऑफ पॉजिटिविटी न्यूज़। ते अज असी तुहानू एक अहि हस्ती नाल लाउण जा रहे हैं, गल करदे हैं गायकी दी, संगीत दी। पूरे विश्व भर दे विच, पूरे दुनिया दे विच संगीत नू अहम मन्निया जांदा है। बॉलीवुड हॉलीवुड तक चर्चे जो पंजाब दी गायकी दे हुण तक हो चुके ने ते लगातार जो जारी ने। तो उस गायकी की जो गल करते हैं तो गायकी के निकल के आता मानसा शहर का नाम। तो मानसा शहर के गायकों ने अपनी जो मल्ला मारी हैं गायकी फील्ड के गायकी के खेत्र के उस चीज़ को अज लैके उस गल उस बारे असी गल करा। तो अज असी पहुंचे हाँ लवप्रीत लवी जी को जो कि वॉइस ऑफ पंजाब के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। तो अज गल करते हैं उन्होंने नाल तो पुछते उन्होंने तो भी उन्होंने संगीतक सफर जोड़ा है वह कि उन्होंने शुरुआत की फिलहाल जो किस तरीके चला रहे। सत श्रीकाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फुल ऑफ पॉजिटिविटी देख रहे सारे दर्शकों का और सारी थोड़ी टीम का और स्पैशली थोड़ा परम जी कि तुम अपने कीमती समय चो समा कढ़िया जी, थैंक यू सो मच। तो सानू साढ़े दर्शकों को असं ये दसना चाहते हैं, ये अच्छी जानकारी असं उन्हों तक पहुँचानी चाहते हैं भी मानसा शहर के जिहड़ा भी संगीतक खेत्र दे विच जिहड़ियां तुसी प्राप्तियां जिहड़ियां उपलब्धियां तुसी अज साडे नाल इत्थे खास मुलाकात दे विच पेश होए हो ते असी साडे दर्शकां नूं इह दिखाउणा चाहुंदे आ भी तुहाडा जिहड़ा सफर है उह किस तरीके नाल तुसी शुरुआत कीती। जी जिंदगी दा जिहड़ा सफर है, जिंदगी दे सफर दे विचों अगर आपां संगीत दी गल करदे तां संगीत दा सफर मेरा बचपन तों शुरू हो गया सी। जिस तरह कि मेरे जिहड़े मेरा जिहड़ा नानका परिवार है वह सारा गाउंदा है, मेरे नाना जी कीर्तन करदे सी और मेरी मम्मी गाउंदे है। तां मैं ये गल कह सकदा कि मैनू जिहड़ी संगीत दी गुड़ती है वह विरासत चों ही मिली है संगीत, ते नानका परिवार करके मेरा जिहड़ा सफर है शुरू होया जी। फिर हौली हौली जदों मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई ते स्कूलां दे विच जिहड़े छोटे छोटे फंक्शन हुंदे है जिद्दां एनुअल फंक्शन हो गया अपना जां है ना, ते उत्थों फिर जिहड़े मेरे टीचर सीगे उन्होंने मेरे इस गल नूं बहुत बढ़ावा दिता संगीत दे सफर नूं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिता। उत्थों फिर मेरा सफर शुरू होया संगीत दा जी। जिस तरह फंक्शनां दे विच गाउण दा मौका मिलदा, एक्टिंग करन दा मौका मिलदा, भंगड़ा करन दा मौका मिलदा, हौली हौली म्यूजिक नाल जुड़दे गए। फिर जिहड़ी मेरी मुलाकात है वह मेरे गुरु जी जनाब श्री प्रदीप बब्बी जी, उन्होंने दे नाल मेरी मुलाकात हुई ते उन्होंने मैनू जो संगीत दियाँ जो बारीकियां उन्होंने बारे जाणू करवाया। मैं हजे भी सीख रहा क्योंकि जिहड़ा म्यूजिक का सफर हुंदा है ये सारी लाइफ ही चलता, सीखण का सिखाउण का भी सीखण का भी ये चलता रहता है। फिर गुरु जी नाल मुलाकात हुई, उत्थों मेरा होर इंट्रस्ट होया इसनू कि मैं होर बारीकी नाल जाण सकां। ये गल है जी संगरूर की, जदों असी संगरूर रहिंदे हुंदे सी। वैसे बेसिकली मैं दर्शकों को भी दसना चाहुंदा और तुहाडे चैनल के माध्यम राही कि साडा जिहड़ा जद्दी पिंड है वह झनीर है जी, तो मानसा के मेरे दादा दादी चाचा चाची सारे इत्थे रहिंदे सी। फिर असी 2007 दे विच इत्थे आए जदों मैं मतलब प्लस वन दे विच सीगा, प्लस वन प्लस टू दे विच। फिर इत्थे गांधी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मानसा उत्थे मेरी प्लस टू की पढ़ाई हुई, उत्थे जिहड़े टीचर सीगे साडे फिर उन्होंने मेरे इस जिहड़ा मेरे अंदर थोड़ी बहुत कला सी उन्हों उन्होंने कहा कि तू ठीक कर सकदा है, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। मेरे स्कूल ने जितों मैं 10th की प्रेम सभा स्कूल तो उतों के टीचर्स ने, तो मतलब जिहड़ा मेरा संगीत का सफर है वो शुरुआत तो बचपन तो ही हो गई सी, पर उसनू हॉबी तो पैशन बनने में जिहड़ा टाइम लग्या मैं उस पीरियड की गल कर रहा तुहाडे नाल। फिर वो जिहड़ा पीरियड चलता गया मेरे गुरु जी नाल दा मुलाकात होना, स्कूल के टीचर्स का साथ देना, हौली हौली फिर मेरे गुरु जी वालों मैनू आदेश होया कि तुसी डेली इतने नहीं आ सकते संगरूर लवप्रीत कि तुसी सीखो पर सीखना बंद ना करो। फिर इतने मेरी मुलाकात हुई जो बहुत ही रिस्पैक्टेड हस्ती ने साडे मानसा दे सारे जाणू ने उन्हां तो श्री वेद प्रकाश अरोड़ा जी, उन्हां तो मैं संगीत की सिक्ख्या ली। फिर उन्हां दे जो बेटे ने श्री राजीव कुमार जौनी, फिर उन्हां तो मैं संगीत की सिक्ख्या ली, हजे भी मैं इन्हां जिहड़े उस्ताद लोग ने उन्हां तो सिखदा रहिंदा जी। ते उस तो बाद फिर जिन्हें गुरुजन जिन्हें अध्यापक साहबान ज फैमिली मैंबरस
फिर इन्होंने मैनू कहा कि तुसी इसनू एज सब्जेक्ट भी चूज करो। फिर मैं जो ग्रेजुएशन की मैं गौरमेंट रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा तो उत्थों फिर जो मैं ग्रेजुएशन विच दे विच शुरू की तो यह मेरा पैशन बन गया संगीत। पैशन बनता बनता फिर यूनिवर्सिटी एम ए हुई, फिर उस तो बाद जॉब, फिर गाने बस चलता रहा। मतलब बचपन तो शुरू हो गया अज तक मैं मानता कि मैं हजे भी सीख रहा और परमात्मा की कृपा ने सारी उम्र सीखना ही है। हौली 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 फिर इस ट्रैक पर आ गई कि अच्छ चलो थोड़ा बहुत तुहाडी कृपा नाल तुहाडे वर्गे भरावां दे सदका थोड़ा बहुत नाम हैगा, चलो चार बंदे रिस्पैक्ट नाल गल कर लेंगे इस दुनिया के। गाना बजाना तो बहुत दूर की गल है, गाना तो हजे मैं सीख रहा, अजे तो मैं खड़ना ही आ जाए तो शायद उ मेरे ख्याल बहुत वड्डी गल होगी। स्टेज पर खड़ना ही बहुत औखा होता है। तो संगीत की सिक्ख्या बचपन तो शुरू हो के उस तो बाद फिर मेरे गुरु जी का मिलना, फिर वेद प्रकाश सर का मिलना, चौनी सर का मिलना, अध्यापक साहबाना के जो साथ दोस्त मित्र जो साथ उन्होंने फिर इस चीज़ में मतलब उस कला मेरे अंदरों क्ढण इन्हों का बहुत सहयोग है। तो यह तो जिमें इन्होंने दसिया कि भी इन्हों का सफर जो सी इन्हों परिवारक जो संगीतक नू लैके परिवारक तो ही इन्हों का सफर है जिहड़ा शुरू होया ते इन्हों दे उस्ताद जी ने इन्हों चंगे तरीके मतलब गाइड किया ते उसे गाइडेंस ते चलदे इन्होंने संगीतक सफर नू लगातार जारी रखिया। हुण तक इन्होंने बहुत सारे गीत भी जो है लोगों के रूबरू कराए ने ते लोगों ने भरमा हुंगारा ते प्यार भी बहुत दिता इन्हों के गीतों नू। तो असी बेनती करांगे भी तुसी कुछ अपने गीत दीआं चार लाइना साडे दर्शकां नू जरूर सुनाओ। जी जरूर, तुहाडा हुकम सिर मथे। मेरे दो चार पांच गाने आए हुए हैं, दोस्तों मित्रों ने सुने भी है, जिन्होंने नहीं सुने वो भी जरूर मेरी बेनती है तुहाडे चैनल के थ्रू के जरूर सुनियो और कमेंट सैक्शन के भी तुसी दस सकते हो सानू जो ये अपलोड होएगा कि तुहानू इहदे विचों किहड़ा गाना वधिया लगता। तो कोशिश करांगे और अगे आने वाले गाने की भी मैं गल करदा। जिदा वीर जी का हुक्म होया मैं तुहानू एक गाने दी दो गल्लां मैं तुहानू सुणाउणा। मेरा गाना आया सीगा दो तीन साल पहला, एक गाना आया सीगा ट्रू लव, मैं उहदीआं तुहानू दो तीन लाइनां सुणाउणा। बहुत सोहना गाना, बहुत ही सोहना गीत जो इन्होंने सुनाया, तुसी सुनिया भी है, मैं भी सुनिया खुद भी, मैनूं बहुत चंगा लग्या। हुण भी इन्होंने नाल जो मुलाकात हुई उदो भी सुन के बहुत चंगा लग रहा है। तो बहुत ही सुरीली आवाज के मालक ने, तो रब ने बख्शिश दी इन्हों आवाज की। तो बाकी इन्हों गल करते हैं भी ये जिहड़ा इन्होंने सफर शुरू किया, इन्होंने जो गायकी की है हुण तक गीत गाए ने, तो अज की गायकी तो जो तुसी ये सफर शुरू किया उस गायकी दे विच तुसी की गैप समझते? मेरे ख्याल नाल तां इह जिद्दां कह दिंदे कि चेंजेस लॉ ऑफ नेचर है ना, तो बदलाव हर एक फील्ड दे विच हुंदा है। कोई भी फील्ड तुसी लै लो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, जो कोई भी काम है। जदों मतलब जिद्दां मैं स्टार्ट किया सी तां अप्रोक्सीमेटली मैनूं 15 ईयरस हो गए, 15 साल हो गए मैनूं लाइव शोज करदे हां ना, मेरे गुरु जी की मेहर सदका। तो उदो जो असी सीखना स्टार्ट किया समय के अज के समय के बदला बहुत है, चलो होना भी चाहिए, कुदरत का नियम है। तो उदो जो सीगा उदो एक जनून हुंदा सीगा हर एक सीखने वाले भी अंदर ना, मतलब जब गाने वाले सब तो पहला की हुंदा सी, फॉर एग्जाम्पल जिदा तुसी गाना करना परम जी है ना, तो वह बंदा पहला ही देखता सीगा कि क्योंकि उदो सिंगल ट्रैक्स का रवाज नहीं, हुण तो सिंगल ट्रैक आ रहे हैं कि मैं एल्बम करनी है तो उन्हें 8 गाने तैयारी करने के लिए, तो घट्टो घट्ट नहीं मैं ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, तो जिन्ना क मैं इस लाइन में जिन्ना क मेरा एक्सपीरियंस होया 8 महीने 10 महीने वो घट्टो घट्ट संगीत की संगीत के रियाज़ और उस गाने के बोलों
और उस गाने दे नाल इनजस्टिस ना होवे, उह गाने दे नाल तां उहदी प्रॉपर मेहनत हुंदी सी, हुण उह चीज़ां बिल्कुल खत्म हो गईआं ने, क्योंकि कंप्यूटर दा युग, जिवें कह दिंदे अज कंप्यूटर दा युग, अज नहीं बहुत काफ़ी टाइम तो आ हुण तां, पर उदों जो अज मशीनां ने जो ऑटो ट्यून हो जांदियां ने चीज़ां, या दर्शक साढ़े भली भाती जाणू ने, सारे बहुत समझदार लोग अपने इस चैनल नाल जुड़े हुए ने, तां मतलब पहला ऑटो ट्यून हो जाणा इह नहीं हुंदा सीगा, और जो गाने रिकॉर्ड किया जाता है शुरू तो लेकर तक लगातार गाँव सुनता एक लाइन अगला अच्छ रिकॉर्ड करता दूसरी लाइन बेशक कल कर लो रिकॉर्ड, तो ऑटो ट्यून आ गया, बहुत ज़्यादा फ्रीडम आ गई सिंगर को गाने के लिए, स्टूडियो के बहुत ज़्यादा समा मिलता है गाने के लिए, चाहे चार चार दिनों के पाँच पाँच दिनों के एक गाना रिकॉर्ड करते, अगे ये चीज़ा नहीं सी, मतलब अगे मेहनत का फुल ज़्यादा से, हार्डवर्क ज़्यादा से, हूँ स्मार्टवर्क ज़्यादा हो गया, तो मैं मतलब अगर आप इस सवाल के जवाब में आप छोटा करना हो, ब्रीफ से कहना हो, तो उदो हार्डवर्क का जमाना से, हम स्मार्टवर्क का रह गया, हूँ सिर्फ कंप्यूटर नो चीज़ों सैट कराया जाता है, नहीं सीखते हूँ, सीख का दौर नहीं, हूँ तो सिंगर बनना तुम, हाँ जी सिंगर बनना, जाओ जी तुम जिम ज्वाइन करो, तुम मॉडलिंग करके देखो, तुम इदा करो, थोड़ा फेस इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा थोड़ी बॉडी की शेप इस तरह की होनी चाहिए, जबकि अगे नहीं, अगे होंदा सीगा तुम अगर अच्छे गायक हो तो ही थोड़ा म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्ड करते, ता ही तुहानू कंपनियां लॉन्च कर दी सी, हुण वो चीज़ नहीं रहेगी मेरे ख्याल नाल, मैं सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोलदा बोल रहा होवां तां मैनूं करैक्ट कर दिओ, पर मैनूं लगदा वी जे फर्क की गल करिए तां बहुत है, जो फर्क आना चाहिए सी वो नहीं आया, क्योंकि परम जी तुसी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, तुहानू वी इस गल की पूरी समझ है, नॉलेज है कि ग्राफ हर एक चीज़ का बढ़ना चाहिए टाइम के नाल, पर बड़ी मंदभागी गल है, मतलब बड़ी बदकिस्मती नाल कहनी पै रही है ये गल कि हुण वो ग्राफ गिरता जा रहा, डे बाय डे वो चीज़ गिरती जा रही, अगे मेहनत का मुल सी, शकलों का मुल नहीं सी, हुण शकलों का मुल है, मेहनत का कोई मुल नहीं, अगे रियाज का मुल सी, अगे जिहड़ा रियाज और संगीत का जिहड़ा कमरा है, जब जिहनूं म्यूजिक रूम कह दिंदे जां गुरुआं कोले जांदे सी, हुण रियाज हट के लोग जिमां नूं कर रहे ने, जिम ज्वाइन करना अच्छी गल है, फिजिकल फिटनेस होनी बहुत अच्छी गल है, पर उसनूं तरजीह देनी कि सिर्फ उही चीज़ होनी चाहिए कलाकार, मतलब ये चीज़ों का फर्क आ गया, मेहनत जीरो हो चुकी है, तुम सोहने लगने चाहिए हो, मेरे ख्याल समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा, बिल्कुल बिल्कुल, साढ़े दर्शक भी भली भाती जाणू ने जो मैं कहना चाह रहा, मतलब और एक होर बड़ा फर्क है, शायद कई गल मेरी चुभेगी कि एक उस्ताद वर्ड की बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती हो रही है, उस्ताद वर्ड की है, उस्ताद गुरु, गुरु की अगर आप संधि करिए तो वह है गु प्लस रू, गू का मतलब हनेरा, रू का मतलब रोशनी चानण, जिहड़ा इंसान थोनों हनेरे तो चानण वाल लैके जाता है वो तुहाडा गुरु या उस्ताद, जिन्हें तुहानू रिजक दिता होवे, जिन्हें तुहानू कोई कला सिखाई होवे वो उस्ताद है, हुण मतलब एक हर एक कलाकार नू या हर एक फिल्म स्टार नू या किसी नू भी लोग कह देंदे कि उस्ताद, मतलब उस्ताद वर्ड की बहुत बेइज्जती हो रही है अज के दौर दे विच, अग्गे उस्ताद वो हुंदा सी जिहड़ा किसी नू सिखाउंदा सी, जिहड़ा घरे बिठा के प्रॉपर किसी कुछ भी सिखाउंदा सी, मैं कल्ले संगीत की गल नहीं मैं कर रहा, मैं गल मैं थोड़ी अपनी गल नू दुरुस्त करन दी कोशिश कर रहा, भी जिहड़ा उस्ताद शब्द है ना दोस्तों बहुत वड्डा है, उहनू प्लीज़ आपां उहनू इन्ना सस्ता ना करो कि एक आपां कोई कल दा कोई न्याणा कोई गाउण लग्गिया जां कोई भी कोई चाहे उहनू भी उहनू आपां उस्ताद मतलब गुरु है, जिहनू टीचर कहा जांदा, अध्यापक कहा जांदा जिहनू, तो उस चीज़ का मतलब एक सब तो पहला फर्क मेहनत जीरो होगी जी, दूसरा फर्क कि उस्ताद या गुरु पता ही नहीं लोगों को कि किन्हां कहना चाहिए किन्हां नहीं कहना चाहिए, उस्ताद वर्ड लगना चाहिए तो मेरे ख्याल में लगना चाहिए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जिवें कि इन्होंने दस्या भी अजकल की जिहड़ी गायकी है वह हथियारां गैंगस्टरपणे मतलब प्रमोट कर रही है, इन्हां चीज़ां सभ्याचार डाउन कर रही है, सभ्याचार ते विरासत जिहड़ी है खोंदी जा रही है, ते पंजाब का जो मेन सभ्याचार जो विरासत दीयां गल्लां हुंदियां उन्हां दा ग्राफ किते ना किते अज दी गायकी करके डिगदा जा रहा है, ते जिवें उन्हां गायकां दा कहना है वी जिहड़ी साडी गायकी है जिहड़े साडे गीत ने हथियारां नूं प्रमोट करन वाले गाने पहलां वी बणदे सी ते गाने अज वी बणदे आ, कि इन्ना ज्यादा उह प्रभावित नहीं करदे किसी भी जनरेशन नूं, उन्हां दा कहना इही हुंदा जदों उन्हां ते कोई आरोप लगाए जांदे, उस बारे तुहाडा की कहना है? परम जी गल इह हुंदी है कि जिदा कह दिंदे आ कि मार्क सब तो वड्डा क्रिएटर है, उसने जिन्ने लोग बनाए उन्हें उन्ने दिमाग बनाए और जिन्ने दिमाग है उन्हां दी उन्नी ही सोच है, तो वो सही ने या गलत ने ये चीज़ ते तो मैं कोई कमेंट करन वाला हजे है नहीं गा, मेरी ओडी
मैं इन्ना समझदार नहीं कि मैं किसी नूं गलत या सही कह हाँ, पर मैं अपनी निजी सोच इस बारे तुहानूं दस दिंदा कि मैनूं लगदा कि जिहड़े ये गाने है ये असर करदे आ। जे 100% नहीं करदे तां ये 10-20% भी करदे, जो कि वह भी बहुत खतरनाक रेशो है। फॉर एग्जाम्पल 100 जणे ने हथियार वाला गाना सुनिया कि हथियार चक के असीं ऐ कर दिंदे आ, असीं ऐ कर दिंदे आ, उहदे विच्चों 20 जणे ने 20 बच्चियां ने उस गल ते अमल करके, वह गाने दे अमल करके अपनी लाइफ स्टाइल उस तरह बना लिया जिदा एक गैंगस्टर की लाइफ है, या एक हथियार जिहड़ा हथियारां नूं प्रमोट जां उस तरह की लाइफ नूं उस बच्चे ने अडोप्ट कर लिया, तो 100 दे विच्चों 20 परिवार तां खत्म हो गए ना, तो किड्डी अच्छी गल है। सही कहा ना, तां वह कोई बहुत वधिया गल नहीं मेरे ख्याल। मतलब ये चीज़ों का इफेक्ट पैंदा नहीं पैंदा वो ज़्यादा समझदार होने के कलाकार, पर मेरी परसनल जी राय है वो यही है कि पैंता, बिल्कुल फर्क पैंता है, क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चा है वो लर्निंग एज के है, वो जी एज है, वो जी उम्र है, उस उम्र के जोड़ा दिमाग है वो ग्रो कर रहा है, जो तो दिमाग ग्रो करेगा उसके अंदर जिड़िया चीज़ा तुम पाओगे वो उही चीज़ा वो असर कर। मतलब जिवें तो कहावत फिट बैठती है कि एक बंदा चिट्टे रंग का कुर्ता पजामा पा के, चिट्टे रंग के कपड़े पा के कोले की खान च जाके साफ मुड़े आऊगा, नहीं मुड़ सकता, तो वो कितने ना कितने तो दाग लगेगा ना। 100% नहीं तो 10-20% भी अगर ये चीज़ा असर कर दी तो वह घातक ने समाज लिए, बहुत घातक ने, खास करके पंजाब लिए। पंजाब का ऑलरेडी नशिया की बहुत गिरफ्त च बहुत बुरी तरीके आ चुके हैं, नशे तो बाद हथियार चुका दो, नशा थोनू थोड़े दिमाग में चक दूगा, जो हाथ से कोई दनाल हो जाए उन्होंने 4 बंदे मार देने, मुड़ के उसकी सारी लाइफ जेल च जाऊगी। मतलब किताब बच्चे के हाथ चो खोली और बच्चे के हाथ हथियार देते, अगे बाल गीत होंगे अखबार आप पढ़ते, एक छोटा जहा पन्ना आता बाल संसार, वो बाल गीत होंगे, वो बाल गीत सिर्फ बालक गाँवते, बालक और बालग फर्क है ना, बच्चा और एक अडल्ट परसन, बाल गीत होंगे सी बालकां लई, और जिहड़े बालिग 18+ कंटेंट होंदा सी, प्यार दी गल है जां कोई होर गल है जां कोई हीर रांझे दी गल है जां होर, तां ओह 18+ कंटेंट मन्निया जांदा सी उस समें दे विच, और उदों ओह बालिग ही सुन सकदे। हुण तां इक छोटा बच्चा, इक 5 साल का बच्चा हथियारां दे गाने गा रहा नशे, उस बच्चे नूं इह नहीं पता चिट्टा की है, वह किड्डी खतरनाक चीज़ है, उसने नहीं पता है कि 47 की है, 12 बोर्ड की है, पर ओह गाना गा रहा चीज़ां सुन रहा है, सुन रहा है, उहदे दिमाग चों पिक्चर बन गई कि अच्छा रफल ये चीज़ होंगी, अच्छा बंदा ही मर जाता, उन्होंने ये नहीं ना पता कि जो बंदा मार के तो हशर की करता, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर ना की भी चीज़ है इंडिया के, इंडिया है भारत है, इतने कानून सब तो वड्डा है, कॉन्स्टिट्यूशन सब तो वड्डा है, उस तो बाद आप सारे, तो उसनों जो बच्चे के दिमाग में गल्ला बैठ गई 18 साल तो बाद, जिते बच्चे ने लाइब्रेरी जाना सी 18 साल तो बाद, जो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी एंटर करना सी, तो लाइब्रेरी छड के वह कंटीना बैठूगा, कंटीना तो वो फिर दोस्तियां पैनगियां, दोस्तियां तो फिर हथियार चकूगा, क्योंकि नैचुरल दिमाग छवि है ना कि कॉलेज के जाके हथियार चक के ऐ हो जाता हूँ, तुम खुद पढ़े लिखे हो कॉलेज के कहड़ा हथियार चकन दिता, सिक्योरिटी होंगी है, बाकायदा होंगी है, मतलब वो गलत रस्ते से आप बच्चों गलत ट्रैक पर लैके जा रहे हैं, उन्होंने जी जनरेशन आ। चलो मैं यही गल कहता कि मेरी एक इंटरव्यू नाल या अपने इस चैनल के माध्यम नाल सारा समाज सुधर जाएगा, पर मेरी एक गल कही हुई किसी एक घर पर भी असर कर गई तो मैं लगता कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चीज़ भी जिदा एक मैं उस देश का नाम नहीं याद है ना, उस स्कॉलर का एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने किसी देश के लिए कहा कि अगर तुम किसी देश को निस तो नाबूद करना है, उस देश को खत्म करना, तो उतो का कल्चर खत्म कर दो, खत्म वो कम हो जाएगा, थोड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। ईरान इराक जिथे भी टैररिज्म बहुत बुरे तरीके फैलिया हुआ है, जो अपने इंडिया के भी जो कुछ स्पैसिफिक एरियाज ने जिथे वो चीज़ा ने, उत्थे तुम जाके देखो तो कल्चर खत्म हो चुका, इस करके वो बच्चों के हाथ च हारमोनीयम तबला किताब कलम की थान पर हथियार आ चुके, तो उतों का जो कल्चर जो खत्म होया तो उत्थे टैररिज्म पैदा होंदा, उत्थे भुखमरी पैदा होंदी है, उत्थे गरीबी पैदा होंदी है, जो थोड़ा कल्चर थोड़े कल्चर का जो ग्राफ उपर जाएगा तो तुहाडी जिहड़ी फाइनैंशियली और तुहाडी जिहड़ी सोशल लाइफ है वह ग्राफ भी उपर जाता है। ये कोई नहीं, ये मेरी निजी सोच है, मैं पहला दर्शकों को कह दे रहा ये गल, तुम मेरे नाल डिसएग्री करदे हो तो कमेंट सैक्शन च दस्यो, पर मेरी परसनल सोच है, मैं बिल्कुल नहीं कहता परमजी, मैं थोड़ा भी नहीं कहता कि तुम भी मेरे नाल एग्री करो, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी निजी सोच दस रहा थोड़े चैनल के माध्यम राही कि ये चीज़ा असर कर दिया ने, 100% नहीं कर दिया आई एग्री, पर कितने ना कि कर दें, अगर 1% भी असर कर दिया ने
एक परसेंट मतलब एक बच्चा, एक बच्चा मतलब एक फैमिली मतलब पूरा समाज। तो जी चीजा ने घुण वगू हौली हौली खा रही ने समाज न, नहीं पता लगेगा आने वाली जनरेशन या उस तो आने वाली जिहड़ियां जनरेशन होणगियां उन्हां नूं इन्हां चीज़ां दा खामियाजा बहुत बुरे तरीके नाल भुगतना पऊगा। तां मैनूं लगदा कि जिहड़ा स्वर्णकाल सीगा संगीत दा उह वापस हुण आ जाए तां शायद कोई हो जूगा नहीं। तुसीं खुद देखो कॉलेजिस दे विच लाइब्रेरियां च तां कबूतर बोलदे ते कंटीना ते जां लॉन्स दे विच ही ज़्यादा रश मिलदा क्योंकि बच्चां नूं किताबां तों दूर करता। पर उसनू गाने इस तरह के होने चाहिए कि भाई हथियारों तो दूर रहो, नशे तो दूर रहो। जे तुसी शूरवीरता की गल करनी है तो शूरवीरता सिर्फ गैंगस्टर के नाल रिलेटेड क्यों हो सकती है? शूरवीरता तो साडे फौजी जवानों की भी शूरवीरता है, साड़ी पंजाब पुलिस की शूरवीरता है, जिन्होंने कोविड 19 के समय कितने कितने ड्यूटियां 24-24 घंटे ड्यूटीज दी ने, उन्होंने शूरवीरता की गल करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवीं पातशाह जी उन्होंने शूरवीरता की गल करो, उन्होंने कुरबानिया की गल कर लो। वार बाबा बंदा सिंह वारा गा लो, मतलब जो तुम शूरवीरता की गल करें तो उम्मीद भी कर सकते हो। और वीरता यह भी हो सकती भी 10 बंदे एक कुड़ी को तंग कर रहे हैं, एक बंदे ने आके उन्होंने मारिया, उस टॉपिक को लेकर भी गाँव चको भी भाई सब दिन भैन सी है ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਹੀ ਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਡੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਓ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੀਟ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਖਾਨ ਮੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਨੀਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਆਵੋ ਨੀ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਧਾਈ ਹੈ ਆਵੋ ਨੀ ਸਿਓ
देवो नी बदाई मैं बन पाया राम मैं बन पाया राम अब नी सियाल देवो नी बदाई है अब नी सियाल देवो नी बदाई मैं बन पाया सियो सियो बहुत वधिया ते बहुत ही सुरीली आवाज दे मालक ने लवप्रीत लवी जी ते तुहाडे सामने असी रूबरू इसे लई कराया क्योंकि मानसा दा टैलेंट कदी गल करिए तां अपने मानसा शहर दे विच बहुत सारा टैलेंट जो अनदेखिया ते सुनिया तुसी बहुत है बट साडा फर्ज बनता है साडे शहर दे लोकां दा फर्ज बनता है इन्ना कलाकारां नूं प्रमोट करना क्योंकि ये बहुत ही साफ ते शुद्ध गायकी जिसनूं कहिंदे ने उहनां नूं इह प्रमोट करदे है ते बाकी असी हर हफ्ते तुहानूं इदां दी गायकी इदां दे टैलेंट नाल मिलवावांगे ते बाकी तुसी आपदे बारे कुछ दसो परसनल लाइफ जो तुहाडी हुण तुसी इन फ्यूचर च की गायकी नूं लैके करना चाहुंदे ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਿਓ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਪਰਮ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਪੀਬੀ ਕੱਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਰਜਿੰਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿਠਲਾਉਣਾ ਉਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਬੜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੋ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਕੈਸਟਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਲੰਘਾਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ 1-1.5 ਲੱਖ ਵਿਊ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਨਸਾ ਗੋਟ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੁਛ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣੇ ਅੱਖੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣੇ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਵੇ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੋਰੇ ਵੇ ਵਤਨ ਮਾਇਆ, ਗੋਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੜਿਆ, ਛੋਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਮਾ ਛਲ ਗਲਦੀ ਵੇਗਾਨੀ, ਛਲ ਗਲਦੀ ਵੇਗਾਨੀ, ਛਲ ਗਲਦੀ ਗਾਨੀ ਵੇ ਤੁਰ ਜਾਨੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੇ ਸੁਣ ਭੋਲਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਗੋਟ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।